हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब पर स्वागत है। चलिए हम आज देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट प्रोनाउन। ठीक है, नाउन्स के रूल हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम प्रोनाउन के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला रूल देखते हैं। पहला रूल हमारा है इच अदर और वन अदर। ठीक है, इच अदर वन अदर। इच अदर जो है दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, और वन अदर जो है वन अनादर जो है हमारा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस में देखिए, इसे टू सिस्टर्स लव इच अदर। ठीक है, टू सिस्टर्स लव इच अदर, इसमें दो, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है दो लोग की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें देखो द फोर सिस्टर, होश में दो से अधिक सिस्टर लव एन अदर एंड वन एन अदर। ठीक है, वन एन अदर, यह कहने का मतलब हमारा है इच अदर दो व्यक्तियों के लिए, और जब दो से अधिक सेंटेंस में, ठीक है, दो से अधिक व्यक्ति की बात कही जाए तो हम वन एन अदर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड हमारा है आइदर नाइदर बोथ एनी वन नन ऑल। ठीक है, देखिए आइदर नाइदर और जो है बोथ दो व्यक्तियों के लिए। ठीक है, एनी वन और नन ऑल जो है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइदर की जगह पे एनी वन और नाइदर की जगह पे नन, और जब बोथ की जगह पे ऑल। ठीक है, जब दो से अधिक हो, जैसे एनी वन ऑफ द पेंस, एनी ऑफ द पेंस। ठीक है, टू पेंस, दो पेंस में से कोई एक भी, नन ऑफ द फोर, सॉरी आइदर ऑफ द टू कार्स। ठीक है, आइदर ऑफ द टू कार्स यानी दो कार्स की बात हो रही है, आइदर नाइदर ऑफ द टू बाइसिकल। ठीक है, दो लोग की बात हो रही है, एनी वन ऑफ द पेंस। ठीक है, एनी वन ऑफ द पेंस। अब यहाँ तक देखो, आइदर ऑफ द टू कार्स, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी एक, नाइदर ऑफ द टू बाइसिकल, दोनों में से कोई सी भी नहीं। ठीक है, अब सो एनी वन ऑफ द पेंस, ठीक है, इनमें से कोई एक भी। अब इधर देखो, फोर्थ नन ऑफ द फोर कार्स। ठीक है, चारों में से फोर बुक चारों में से कोई नहीं, एनी वन ऑफ द पेंस। ऐसे देखो, ऑल द फाइव स्टूडेंट्स विल गो। अब यहाँ पे देखो, जो बात हो रही है सब्जेक्ट में पांच लोगों की, ठीक है, दो से अधिक थे तो ऑल द फाइव स्टूडेंट्स विल गो। ठीक है, सारे पांचों स्टूडेंट जाएंगे। अगला हमारा है रूल्स थर्ड, इच और एवरी वन। ठीक है, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होता है, जबकि जो हमारा एवरी वन सिर्फ व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति वस्तु में थिंक कोई, जैसे देखो इच ऑफ द टू गर्ल्स कम, ठीक है, कैम, इच ऑफ द टू गर्ल्स कैम यानी दो दो लड़कियों में से कोई भी एक, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, इच ऑफ द टू गर्ल्स कैम, ठीक है, दोनों लड़कियां आएंगी। इसमें देखो एवरी वन ऑफ द 50 मेंस कम। ठीक है, यहाँ पे देखो बात जो हो रही है यानी टू से अधिक ही हैं, ठीक है, लेकिन जो इच का बार बैग, तो यहाँ पे इच ऑफ द टू गर्ल्स कम, ठीक है, यहाँ पे इच ऑफ द टू पेंस कम, ठीक है, ब्रिंग लाएंगे। ठीक है, कोई भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब हमारा ये है इच का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी, वस्तुओं के लिए भी हो सकता है, लेकिन एवरी वन का अगर प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे अगर सब यानी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति ना आकर अगर थिंग्स आ जाए तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है रूल्स एवरीवन हो गया। ठीक है, रूल्स नंबर फोर, वन वंस और वन सेल्फ। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारा ये है, अगर किसी सेंटेंस में वन प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो हमारा थर्ड पर्सन जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट के रूप में वंस ही प्रयोग हुआ। ठीक है, ही हिम हीज हर सेल्फ ना प्रयोग करके हम वंस वही प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे देखो वन मस्ट ईट वंस मैंगो। ठीक है, एक लोग को ये अनिवार्य है कि एक ही आम खाएं। ठीक है, यहाँ पे वंस नहीं हो, यहाँ पे जो वंस होगा, ठीक है, वन अगर प्रयोग है वंस ही होगा, वन या वन सेल्फ। ठीक है, यानी ही हिम हीज हिमसेल्फ नहीं हो सकता, हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जैसे इच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो होता है इच एवरी आइदर नाइदर, तथा इनडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं हमारा नो वन नो बडी एनी वन एनी बडी सम वन सम बडी। ठीक, के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो हमारा होगा मैस्कुलिन जेंडर ही हिज हिम ही का प्रयोग होगा। ठीक है, हर का प्रयोग कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर ही प्रयोग हो, फेमिनाइन जेंडर के थर्ड पर्सन कभी नहीं प्रयोग। जैसे एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ठीक है, तो एवरीवन, ठीक है, प्रत्येक लोग को यह अनिवार्य है कि अपनी ड्यूटी करें। यहाँ पे हिज की जगह पर हम हर कभी नहीं कर सकते। ठीक है,
चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ हरसेल्फ माई सेल्फ। ठीक है, इसका प्रयोग कभी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते थे। ठीक है, जैसे माई सेल्फ विल ईट। ठीक है, माई सेल्फ विल ईट, ये हमारा गलत है। आई विल गो माई सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे माई सेल्फ सही लगाए। ठीक है, कुछ ऐसे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिन अपने बाद जो है, सॉरी, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर से जरूर लेते हैं, जैसे एबसेंट, एड्रेस, अवाइल, इटीसी। वर्ब के बाद क्या कहते हैं, प्रोनाउन जरूर लेते हैं, जैसे सैम एबसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ठीक है, यहाँ पे एबसेंट के बाद हिमसेल्फ हमारा क्या आया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला हमारा रूल है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हमारा, हु, विच, हुम, दैट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तथा क्लॉज को जोड़ने के रूप में भी होता है। ठीक है, अब इसमें भी देखो, जैसे द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, यहाँ पे जो दैट का प्रयोग आया हुआ वो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ठीक है, जो वही पेन है, ठीक है, सॉरी, दूसरा देखिए, द विच आई बॉट, ठीक है, इज गुड, यहाँ पे जो विच आया है, द, सॉरी, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं हमने लिखा, ठीक है, द पेन विच आई बॉट इज गुड। ठीक है, यहाँ पे जो विच आया है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अब देखो इसमें हु और हुम का योग जो प्रयोग जो होता है, यूज जो होता है, वो लिविंग थिंग्स के लिए ही होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, और बाकी विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है। अब देखिए हमारा अगला रूल है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव से हु, हुम, विच, व्हाट। ठीक है, अब देखो वहाँ पर इसका यूजेस क्या होता है इस रूल का। ठीक है, व्हाट का प्रयोग व्यवसाय, ठीक है, पैसन जानने के लिए, जैसे व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज, ठीक है, ये सब जानने के लिए। यहाँ पे देखो नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट इज दिस या क्या है, ठीक है, ये सब के लिए भी करते हैं, व्हाट इज योर, कुछ भी जानने के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में जो भी आता है उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब देखो विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के चुनाव से संबंधित होता है। ठीक है, यानी विच का प्रयोग निर्जीव, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के वस्तुओं से, ठीक है, चुनाव के लिए। ठीक है, चुनाव मतलब किसी एक सब में से किसी एक चीज़ को छांटने के रूप में। ठीक है, जैसे विच रूम्स डू यू लाइक, ठीक है, विच रूम्स डू यू लाइक, इसमें देखो रूम को जो है छांटने के रूप में के लिए हम विच का प्रयोग किए हैं। ठीक है, जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसमें देखो हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज का प्रयोग पजेसिव केस में करते हैं। जैसे हु इज ही, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा नॉमिनेटिव केस में आया है, हुज बुक इज दिस, ठीक है, यहाँ पे पजेसिव केस में संबंध दर्शाने के लिए, और होम हैव यू इन्वाइटेड, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। सो देखो विच कलर, विच वार्ड से, ये करो विच और वार्ड से वर्ब से वर्ब के संबंध में प्लस विच और वार्ड से जब कोई क्या कहते हैं वर्ड संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन जरूर से जरूर लगाते हैं। जैसे विच कलर्स आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, यहाँ पे फोर आया प्रीपोजिशन, ये फोर ना आने पे हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लास्ट में एट आया है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। अपने YouTube चैनल स्टडी हब को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, एक्टिव रहिए अपनी मंजिल को लेकर, अपने एम को लेकर। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।